और यहाँ पर आपको क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है, आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले देखें और उसको सॉल्व कर लें। वन बाय वन क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? मैपिंग, फिर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं मैपिंग गिविन क्या है और फंक्शन की वैल्यू क्या गिविन है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1, 1, ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर बताया गया स्टेट वेदर, आपको चेक करना है फंक्शन 1, 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू होगा या नहीं होगा, ठीक है। और ये बाइजेक्टिव जो है, हमने समझाया आपको 7 का फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व करवाया, तो आपको हमने समझा दिया था बाइजेक्टिव का मीन्स क्या है। फिर यहाँ पर भी आपको बता देते हैं, पहले बाइजेक्टिव आपको सीखना है फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाइजेक्टिव का मीन्स ये है, अगर फंक्शन 1, 1 और ऑन टू होगा तभी फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अगर फंक्शन 1, 1 या ऑन टू में से कोई एक फंक्शन ना हो तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। 7 का फर्स्ट पार्ट में देख लेना, हमने नोट पॉइंट आपको 3 बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैपिंग दिख रही है, एफ सच दैट आर टेंस टू वाई, डिफाइंड वाई एफ एक्स इक्वल 1 + x²। तो यहाँ पर आपको एफ जो है चेक करना है 1, 1 होगा या नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब आपको ये भी पता है क्वेश्चन कोई सा सॉल्व करो एक्सरसाइज 1.2 में, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देख लो द गिविन मैपिंग। तो आप लोग देख लो मैपिंग गिविन है क्वेश्चन में, ये आपको दिख रही है एफ सच दैट आर टेंस टू आर, इसी को बोलते हैं मैपिंग। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है एफ सच दैट आर टेंस टू आर, फिर आपको मैपिंग के अपोजिट फंक्शन की वैल्यू लिखना है। तो एफ एक्स इक्वल कितना गिविन है? 1 + x², ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको दो टाइप आते हों एक्सरसाइज 1.2 में, क्योंकि अगर दो टाइप आपको आते हैं तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन आपको दो टाइप पता हूँ। यहाँ पर हम बता देते हैं सेट, इनफाइनाइट सेट। पहले हम फाइनाइट सेट के लिए आपको बताएंगे, अगर क्वेश्चन में सेट कैसा मिल जाए, फाइनाइट सेट मिल जाए, तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं देन सॉल्व वाई क्वेश्चन यूज एरो डायग्राम, ठीक है। तो आपको एरो डायग्राम का यूज करना है जब क्वेश्चन में सेट कैसा मिल जाए, फाइनाइट सेट मिल जाए। सेकंड टाइप देख लो आप लोग, सेट इनफाइनाइट सेट। अगर क्वेश्चन में सेट कैसा मिल जाए, इनफाइनाइट सेट मिल जाए, तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, यहाँ पे लिख कर बता देते हैं देन सॉल्व वाई क्वेश्चन यूज फार्मूले, ठीक है। तो दो टाइप आपको आना चाहिए एक्सरसाइज 1.2 में, और एक टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देख लो मैपिंग में जो पहले सेट है और बाद में सेट है आपको दिख रहा है आर है। आर किससे डिनोट करता है? रियल नंबर। तो रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डेसिमल। तो इनफाइनाइट सेट है यार, तो इनफाइनाइट सेट है तो क्वेश्चन किस टाइप सॉल्व होगा? सेकंड टाइप से सॉल्व करना है आपको, फार्मूले से। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए जब भी एक्सरसाइज 1.2 आप लोग पढ़ो, तो ये जानकारी है, ठीक है। तो इसे हम रफ कर देते हैं, अब आपको फार्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले हम चेक करेंगे 1, 1 फंक्शन, ठीक है। फार्मूला आप लोग पता है कौन सा फार्मूला लगाओगे, f(x)1 = f(x)2, यही फार्मूला यूज करते हैं जब 1, 1 फंक्शन चेक करते हैं। और आपको ये भी पता है पहला सेट जो x के लिए होता है, 1, 1 जब हम फंक्शन चेक करेंगे तो पहले सेट का हम यूज करेंगे, ठीक है। और सेकंड जो सेट होता है वो किसके लिए होता है? y के लिए। लेकिन
जब हम ऑन टू चेक करेंगे फंक्शन होगा या नहीं, तो बाद वाला सेट हम यूज करेंगे। ये आपको एरो लगा के बता दिए, समझा दिया है, लेकिन पेपर में ऐसा ना करना, ठीक है। ये समझने के लिए हमने आपको एरो बताए हैं कि पहला सेट एक्स के लिए, दूसरा सेट वाई के लिए। अब आपको पता है वन वन के लिए आपने क्या किया, फार्मूला यूज कर लिया, एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू। अब आपको पता है लास्ट लाइन, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट लाइन एक्स वन इक्वल एक्स टू, फिर फॉर एवरी एक्स वन कामा एक्स टू। ये दो एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, पहले वाले सेट में। पहले वाले सेट में क्यों करेंगे, क्योंकि पहला सेट वन वन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब लास्ट लाइन इतनी आपको लाना है, फिर आपको चेक करना है यहाँ पे इक्वल आएगा या नहीं। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट लाइन इतनी लाना है। देखो कैसे आएगी, एफ एक्स वन की वैल्यू यहाँ से रखो तो वन प्लस का एक्स वन स्क्वायर, एफ एक्स टू की वैल्यू रखो वन प्लस एक्स टू स्क्वायर, तो वन से वन कैंसिल। आपको पता है इक्वल में क्या होता है, जब सेम टर्म होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपको एक्स वन स्क्वायर इक्वल एक्स टू स्क्वायर लिखना है, यही तो बचाएगा। अब आपको पावर क्या दिख रही है, दोनों साइड में सेम टू सेम दिख रही है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा होगा टेंथ में, नाइन्थ में, एट्थ में, सेवेंथ में, स्क्वायरिंग बोथ साइड पढ़ा होगा आप लोग। स्क्वायरिंग बोथ साइड मीन्स स्क्वायर लेते थे दोनों साइड का, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम स्क्वायर हटा देंगे, तभी तो लास्ट लाइन इतनी मिलेगी। स्क्वायर हटा दो दोनों साइड का, तो एक्स वन इक्वल एक्स टू फॉर एवरी एक्स वन कामा एक्स टू, ये किस में बिलोंग करेंगे, दो एलिमेंट पहले वाले सेट में। फिर यहाँ पर आपको बॉक्स ले लेना है। अब आपको चेक करना है यहाँ पर क्या चेक करना है, ये तो इक्वल आ गया, कैसे आया, जब हमने फार्मूला यूज किया सिंप्लीफाई किया इक्वल आ गया, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है इक्वल आएगा या नहीं, चेक करना है आपको। इक्वल आएगा तो वन वन फंक्शन होगा, अगर नॉट इक्वल आएगा तो वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो आपको चेक करना है इक्वल आएगा या नहीं आएगा। कैसे चेक करोगे, पहला सेट जो होता है वन वन के लिए होता है, तो आर वन और माइनस वन दो फिक्स वैल्यू ले लेना है, क्योंकि पहला सेट इनफाइनाइट सेट है, बहुत सारी वैल्यू मिलेंगे, तो बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, केवल दो वैल्यू पे काम करो, और दो वैल्यू से ही आप लोग बता सकते हो यहाँ पे इक्वल आएगा या नहीं आएगा। ये मेरा आपसे वादा है, दो वैल्यू से ही पता लग जाएगा। देखो कैसे, पहला सेट एक्स के लिए होता है तो एक्स की वैल्यू लेना है वन, ठीक है, पहले वाले सेट से एक्स की वैल्यू वन यहाँ पे रखो फंक्शन में, तो एफ वन इक्वल क्या होगा, वन प्लस वन का स्क्वायर, जहाँ पे एक्स है आपको कितना रख देना है वन, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करें कितना मिलेगा, टू मिलेगा। अब आपको एक्स की वैल्यू कितनी ले लेना है, माइनस वन, पहले वाले सेट से जो आपको फिक्स वैल्यू हमने बता दी है। अब आपको एक्स की वैल्यू माइनस वन इस फंक्शन में रख देना है, ठीक है, तो वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर सॉल्व करें कितना मिलेगा, टू। तो यहाँ पर आप लोग रख लो ETC, क्यों ETC इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको पता है अदर वैल्यू के लिए ETC, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है ना, इसीलिए दो वैल्यू पर आपको बताया काम करो। तो आंसर शीट आपको क्या दिख रही है, सेम टू सेम दिख रही है, यहाँ पे टू यहाँ पे टू। जब सेम टू सेम आंसर शीट दिख जाए तो यहाँ पे क्या कर देना, नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल होगा तो आपको पता है वन वन फंक्शन नहीं होगा, तो आपको लिख देना है एफ इज नॉट वन वन फंक्शन फ्रॉम के बाद में सेट लिखना है, जो मैपिंग में सेट होते हैं गिवन वही लिख देना है R टू R, ठीक है। ये मैपिंग जो है वन वन के लिए आपने यूज की, तो क्या मिला, वन वन फंक्शन नहीं मिला। अब आपको ऑन टू के लिए काम करना है, तो यहाँ पे देखो ऑन टू के लिए फार्मूला यूज करते हैं y इक्वल एफ एक्स, ठीक है। ये फार्मूला क्या बताता है, x की वैल्यू y के टर्म में निकालो, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू रख लेंगे यहाँ से वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपने वन प्लस एक्स स्क्वायर वैल्यू रख ली। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, पहले हम क्या करेंगे वन को इस तरफ भेज देंगे, तो वाई माइनस वन पावर हटाएंगे रूट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा चेक करना है, अगर बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन होगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे, आपको पता है ऑन टू के लिए बाद वाला जो सेट होता है उसी को यूज करते हैं, तो आपको पता है बाद वाला सेट y की वैल्यू लेना है आपको,
और आपको पता है r जब भी मिल जाए 1 और माइनस 1 पे ही हमने बताया है फिक्स वैल्यू, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है बाद वाला, तो बहुत सारी वैल्यू मिलेंगे, तो बहुत सारी वैल्यू पे काम ना करना, दो वैल्यू पे काम करो, दो वैल्यू से ही आपको पता लग जाएगा यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो y की वैल्यू कितनी लेना है 1, ठीक है। अब x की आंसर ही निकालो, यहाँ पे रखो 1, तो 1 माइनस 1 कितना मिला 0, तो आंसर शीट क्या मिली 0। x की आंसर शीट जो 0 है इसमें बिलोंग करेगी पहले वाले सेट में करेगी, 0 रियल नंबर होता है, ठीक है। y की वैल्यू आपने क्या ले ली माइनस 1, तो x की आंसर शीट निकालो, माइनस 1 इसमें रखो, माइनस 1 तो क्या मिला माइनस का रूट 2, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर बता देते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, तो आपको क्या करना है ये माइनस जो है रूट के अंदर क्या लिख देना है माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 है तो 2i ऐसे करके लिख देना है 2i स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, ये याद कर लेना। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं रूट 2i, ठीक है। रूट 2 की वैल्यू बताइए 1.414, ठीक है। अब ये x की जो आंसर शीट है डेसिमल और i भी है साथ में, तो ये पहले वाले साइड में बिलोंग करेगी नहीं करेगी, क्योंकि i पता है कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी रियल नंबर नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर देना नॉट बिलोंग्स टू r। फिर ETC जानते हो क्यों लिखते हैं, क्योंकि अदर वैल्यू के लिए दो वैल्यू पे काम कर रहे हो, यहाँ पे हमने रफ कर दिया है 1 और माइनस 1 पे, तो इसे भी रफ कर देते हैं। अब आपको देखना है यहाँ पर दोनों जगह देखना है, यहाँ पे बिलोंग्स टू यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू, तो आपने दोनों जगह देखा और एक जगह नॉट बिलोंग्स टू आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा नॉट बिलोंग्स टू आएगा, तो यहाँ पर आपको नॉट बिलोंग्स टू ही कर लेना है। और नॉट बिलोंग्स टू के बाद क्या रखोगे ये जो पहला सेट है मैपिंग में वही आपको यहाँ पे लिख लेना है, फिर बॉक्स ले लेना है यहाँ पे। अब आपको पता है नॉट बिलोंग्स टू आता है तो अनटू फंक्शन नहीं होगा, तो आपको लिख देना है अनटू फंक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे रफ कर देते हैं। अब हमें स्पेस की जरूरत है, तो यहां पर आप कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं, f इज नॉट अनटू फंक्शन फ्रॉम के बाद में जो मैपिंग में सेट होते वही आपको लिखना है R2R, ठीक है। फिर आपको मिक्स करके लिखना है, मिक्स जानते हो 1-1 और R2 को मिक्स करके लिखना है, तो कैसे लिखोगे F इज नाइदर 1-1 नॉर R2 फंक्शन फ्रॉम के बाद में सेट लिखना है जो मैपिंग में गिवन होते हैं R2R, ठीक है। अब आपको हैंस लिख देना है, अगर ये f जो है 1-1 और R2 नहीं है तो y जेक्टिव होगा नहीं होगा, तो आपको लिख देना है यहाँ पे f इज नॉट y जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम के बाद में यही आपको लिखना है R2R। तो 7 का जो है सेकंड पार्ट में इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 8